आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया ने भी खबर डाल दी है स्टूडेंट वीजा के बारे में। इसके बारे में स्टूडेंट्स की क्या अहमियत है और स्टूडेंट्स का कितना रोल है यूनिवर्सिटीज को चलाने में, इसके बारे में मैं कई वीडियोस पहले बना चुका हूँ। लास्ट 10 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी हमने कि कनाडा में $21 बिलियन हर एक साल स्टूडेंट्स लेके आते हैं, खजाने के खजाने खाली हो रहे हैं, ये कंट्रियाँ लूट रही हैं स्टूडेंट्स को। ऑस्ट्रेलिया कहता है कि भी हम भी पीछे नहीं रहेंगे, कनाडा अगर अगर खींच रहा है स्टूडेंट तो हम भी खींचेंगे। ये कल की खबर है, शायद ये लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया टू रिज्यूम स्टूडेंट वीजा प्रोसेसिंग अमंग मेजर्स टू बूस्ट सेक्टर। और ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा नुकसान होता है ऐसे, थोड़ा सा इसमें आंकड़े भी दिए हैं विच ऑफ कोर्स मेरे को पता नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया का प्रैक्टिस नहीं करता इमिग्रेशन, लेकिन लिखा हुआ है पहले के $16 बिलियन का इनको घाटा शो कर रहे थे कि भी स्टूडेंट्स नहीं आने से घाटा हो रहा है। काफी इनके जो जो यूनिवर्सिटीज के हेड वर्ड एसोसिएशन ने कहा है कि भी स्टूडेंट्स को लेकर आओ और नहीं तो हम तो मारे जाएंगे यहाँ पर। तो इन्होंने भी कहा कि भी हमको भी खींचना चाहिए, और इन्होंने जो चेंजेस करे हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या चेंजेस हैं। ये चेंजेस दिए हुए हैं इसमें हाईलाइटेड में। The government will recommence granting study visas in all locations launched outside Australia. Good. That means that the borders reopen. Students will already have visas and able to make arrangements. Travel boy है कनाडा वाला सिस्टम। पहले अपना अप्रूवल ले लो, वहीं घर बैठो, वहीं पर दो, और पैसे पहले कमिटमेंट कर दो कि भाई पैसे आ रहे हैं, क्योंकि उसके बगैर तो वीजा का मतलब ही नहीं है। तो और वहीं बैठे रहो, जब होगा खुलेगा तब आ जाना। दूसरा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लॉज अ फर्दर स्टडी वीजा एप्लीकेशन फ्री ऑफ चार्ज, बट इफ दे आर अनेबल टू कंप्लीट द स्टडीज विद इन द ओरिजिनल वीजा वैलिडिटी ड्यू टू COVID-19, तो शायद दोबारा स्टडी वीजा डालना पड़ेगा। करंट स्टूडेंट वीजा होल्डर स्टडिंग ऑनलाइन आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया ड्यू टू COVID-19 विल बी एबल टू यूज दैट स्टडी टू काउंट टूवर्ड्स द ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पोस्ट स्टडी। ये जो कनाडा पहले कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया पीछे पीछे इसके आ रहा है। Graduates who held a study visa will be eligible to apply for a post-study work visa outside Australia if they are unable to return due to COVID. अब पता नहीं COVID-19 शायद एक तो साल चलेगा। अगर आप एक साल का आपने डिप्लोमा करने के लिए आप घर दिल्ली बैठे बैठे करते रहे और वो डिप्लोमा भी खत्म हो गया, तो भाई तो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा हमें दे दे, वहीं से बैठे रहे दिल्ली से ले लेना। उनसे पूछना कि हम अगर हमें वीजा मिलेगा वर्क वीजा तो हम हमें हमें ऑस्ट्रेलिया करने की आने की जरूरत क्या, वहीं दिल्ली से बैठे बैठे जॉब भी कर लेंगे, वहीं से अपना सपना पूरा कर लेंगे। एडिशनल टाइम विल बी गिवन फॉर एप्लीकेंट्स टू प्रोवाइड इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स वेयर COVID-19 हैज डिसरप्टेड इट। सो ये भी है कि भाई चलो इंग्लिश के लिए भी थोड़ा टाइम कर रहे हैं। तो बात वही है, घूम फिर के वही है कि लिखा हुआ है चेंजेस प्रोवाइड एश्योरेंस टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन ऑस्ट्रेलिया दोस यू हैव बी एबल टू ट्रैवल ड्यू टू बॉर्डर क्लोजर्स। चक्कर ही है पैसे का भाई, पैसा पैसा पैसा। स्टूडेंट्स के पास पैसा है, यूनिवर्सिटीज के पास पैसा नहीं है। आप लोग आओ और आके यहाँ पर कमिटमेंट करो। क्या करोगे दिल्ली में पढ़ के, पंजाब में पढ़ के, बॉम्बे में पढ़ के, चेन्नई में पढ़ के? वहां मत पढ़ो, पढ़ो ऑस्ट्रेलिया में, पढ़ो कनाडा में, पैसे यहाँ ट्रांसफर करो, बात की बाद में देखी जाएगी। तो एक कंपटीशन शुरू हो गया, इससे क्लियर हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की होड़ लग गई है, स्टूडेंट कौन खींचेगा सबसे ज्यादा वो देखते हैं। इंग्लैंड वालों को पता ही नहीं है कि इंग्लैंड को जाना पसंद करता है क्योंकि इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूज ऑस्ट्रेलिया और कनाडा अगर आओगे आप तो हो सकता है कहीं ना कहीं फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि आपको पीआर मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया बनाम कनाडा आपके सामने गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, टेक केयर।